सो है गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं इस वीडियो में कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू हो चैनल को दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ मुझे जो इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर दो। तो सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली दोस्तों पिक्सआर्ट में अपनी बैकग्राउंड को कर लेना है ऐड। उसके बाद सिंपल से ऐड फोटो में जाना है, अपनी मॉडल को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों मॉडल ऐड करने के बाद उसको थोड़ा ऐसे बड़ा करके बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा एडजस्ट करके लगा देना है। लगा देने के बाद ऊपर से कर लेंगे डन। उसके बाद सिंपल से हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, इसी PNG ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद फेस पर ऐसे लगा देना है, इसी साइड ऐसे लगा देने के बाद ऊपर से कर लेंगे डन। उसके बाद हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, फिर से इसी PNG को ऐड करेंगे। तो ऐसे ऐड करने के बाद इस साइड पे ऐसे लगा देना है। तो दोस्तों आप अपने मुताबिक ऐसे रख लेना। तो रख लेने के बाद ऊपर से कर देना है डन। उसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाना है, इसी PNG को दो बार ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद एक को लेकर इसी साइड पे ऐसे लगा देना है, इसी दूसरे को लेकर इसी साइड पे थोड़ा छोटा करके लगा देना है। तो ऐसे लगा देने के बाद ऊपर से कर लेंगे डाउन। उसके बाद हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और एक बार इसी PNG को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद अपनी मॉडल की लिप के ऊपर ऐसे लगा देना है। तो दोस्तों आप सभी लोग ऐसे लगा देना। लगा देने के बाद ऊपर से कर लेंगे डन। उसके बाद हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे इसे PNG ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद सिंपली इसे लगा देना है। तो दोस्तों ऐसे लगा देने के बाद सिंपली ब्लेंड में जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देने के बाद ऊपर से कर लेंगे डन। उसके बाद हम फिर से ऐड फोटो में जाना है, इसी PNG को ऐड करना है। तो इसी PNG को ऐड करने के बाद उसको थोड़ा एडजस्ट करके ऐसे नीचे लगा देना है। लगा देने के बाद ऊपर से कर लेंगे डाउन। तो दोस्तों पिक्सआर्ट के अंदर और कुछ नहीं करना है, सिंपली ड्रॉ में जाकर सेव इमेज कर लेना है। उसके बाद हम थोड़ा कलर एडिंग करने के लिए सिंपली लाइट रूम में जाएंगे। लाइट रूम जाने के बाद अपनी फोटो कर लेना है ऐड। उसके बाद लाइट पे जाना है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा डिक्रीज कर लेना है, हाईलाइट थोड़ा डिक्रीज कर देना है, शेडोज थोड़ा इंक्रीज कर देना है, वाइट थोड़ा डिक्रीज कर लेना है। ब्लैक थोड़ा डिक्रीज कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे करने के बाद सिंपल से कलर पे जाएंगे, टिंट थोड़ा डिक्रीज करेंगे, टिंट थोड़ा डिक्रीज करेंगे, वाइब्रेंस थोड़ा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम मिक्स टूल पे जाएंगे। मिक्स टूल जाने के बाद पिंक कलर पे जाएंगे, ह्यू थोड़ी डिक्रीज करेंगे,
उसके बाद सी एन कलर पे जाएंगे, ह्यू थोड़ी इंक्रीज करेंगे, सैचुरेशन फुल इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद ब्लू कलर पे जाना है, ह्यू थोड़ी इंक्रीज कर देना है, सैचुरेशन फुल इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद ऊपर से कर लेना है डन। डन करने के बाद इफेक्ट पे जाएंगे, टेक्सचर थोड़ा इंक्रीज करेंगे, क्लैरिटी थोड़ा इंक्रीज करेंगे, बिग नेट फुल डिक्रीज कर देंगे, मिड पॉइंट थोड़ा डिक्रीज करेंगे, फेदर फुल इंक्रीज कर देंगे, राउंडनेस थोड़ा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हाईलाइट थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, तो ऐसे करने के बाद सिंपल से हम डिटेल पे जाएंगे, शार्पनिंग थोड़ा इंक्रीज करेंगे, डिटेल फुल इंक्रीज कर देंगे, नोज रिडक्शन थोड़ा इंक्रीज करेंगे, कलर नोज रिडक्शन थोड़ा इंक्रीज करेंगे, डिटेल फुल इंक्रीज कर देंगे। तो ऐसे करने के बाद और कुछ नहीं करना है, हमारा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।